आप सभी लोगों ने सुना होगा हाल ही में कि G7 शिखर सम्मेलन होने वाला है जून में आपका। इसमें हमारे प्रधानमंत्री साहब को, नरेंद्र मोदी साहब को आमंत्रित किया गया है। किसके द्वारा? जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन के द्वारा इन्हें बुलाया गया है। एक तरह से आप कहिए कि निमंत्रण दिया गया है। आप एक बात और याद रखिए, G7 अलग है और G20 अलग है, ठीक है? तो पहले मैं थोड़ी सामान्य जानकारी दे देता हूं आपको G20 के बारे में। आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में सऊदी अरब के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी और एक तरह से आप वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था। क्या हुआ था? वर्चुअल यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुआ था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ है कोरोना महामारी के कारण, ठीक है? तो आपकी G20 की अगर बात करें तो वर्ष 1997 की वित्तीय संकट के पश्चात यह निर्णय लिया गया कि दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को एक मंच पर एकत्रित होना चाहिए। और आप देखेंगे कि इसे 1999 में स्थापित किया गया था। 7 देशों के विदेश मंत्री, जिनमें अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्रियों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो एक बात हमेशा याद रखिए, G20 की स्थापना कब हुई? 1999 को। जब शुरू में इसकी स्थापना की गई तो कितने देशों के विदेश मंत्री शामिल थे इसमें? तो याद रखिए, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, फ्रांस और इटली के विदेश मंत्री इसमें शामिल थे। कई बार आपका पूछ लेता है कि G20 का उद्देश्य क्या है आखिर इसका, तो याद रखिए वैश्विक वित्त को प्रबंधित करना इसका उद्देश्य है। अगर आपसे पूछे कि इसमें कितने देश शामिल हैं, तो याद रखिए 19 तो देश इसमें शामिल हैं और एक आपका यूरोपीय संघ भी शामिल है इसमें, और भारत भी इसका सदस्य है। क्या है? G20 में भारत भी सदस्य शामिल है इसमें। इनके अलावा, भारत के अलावा बात करें तो अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल है। एक बात और आपको बताऊं, कई आपके महत्वपूर्ण संगठन हैं, जैसे राष्ट्रीय संगठन हो गए और राष्ट्रीय जो भी ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, जैसे आप देखते होंगे चुनाव आयोग हो गया, वित्त आयोग हो गया, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, फिर चाहे आप लोग देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर WHO हो गया, WTO हो गया, यूनेस्को हो गया, UN हो गया। तो इन सब के बारे में याद रखा करिएगा, और ये जो रिपोर्ट जारी करता है उनमें भी याद रखा करिएगा, इनका सम्मेलन कहाँ हुआ है उसके बारे में भी याद रखा करिएगा, करंट में जो भी इससे जुड़ी घटना हो रही है उस पर भी नजर रख लिया करिएगा, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस हर बार पूछा जाता है आपका इन संगठनों से, समझ रहे हैं आप लोग? और भारत जिन जिस संगठन में सदस्य है उसके बारे में विशेष तौर पर आप लोग याद रखा करिएगा, क्योंकि कई बार डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आपके, मैं बार बार बोल रहा हूँ आप लोगों से, ठीक है? अब G7 के बारे में अगर हम बात करें तो आप देखेंगे हाल ही में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने G7 शिखर सम्मेलन के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को आमंत्रित किया है, और इस साल 11 जून से 13 जून तक G7 समूह का 47वां शिखर सम्मेलन यूनाइटेड किंगडम यूके में आयोजित होगा, जिसकी अध्यक्षता यूके ही करेगा। तो याद रखिए 47वां शिखर सम्मेलन है, कहाँ होगा? यूनाइटेड किंगडम में होगा, यूके में। इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? यूके ही करेगा। कब से कब तक होगा? ये होगा 11 जून से 13 जून तक होगा 2021 में, ठीक है? आप देखेंगे जून 2021 में आयोजित होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने यह भी कहा है कि वह G7 शिखर सम्मेलन से पहले भारत का दौरा भी करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि अभी गणतंत्र दिवस पे आने वाले थे मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन आपने सुना होगा कि फिर उन्हें कैंसिल हो चुकी है, क्योंकि नया एक स्ट्रेन आया हुआ है। क्या आया हुआ है? नया स्ट्रेन कोरोना वायरस का, तो उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने एक तरह से अपनी यात्रा रद्द कर दी है। लेकिन देखिए कब तक आते हैं, हो सकता है कि इनकी जब भी आपको इस आएंगे मालूम चल जाएगा आराम से, ठीक है? हाल ही में ऐसी खबर आई थी कि बोरिस जॉनसन इस बार के भारत के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में शामिल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि कोरोना वायरस के खतरनाक स्ट्रेन की वजह से ब्रिटेन में लॉकडाउन लगाया गया है, और इस स्थिति में बोरिस जॉनसन का यूके में रहना महत्वपूर्ण है ताकि वह वायरस को रोकने के लिए ध्यान केंद्रित कर सकेंगे, क्योंकि आप देखिए कि अपने देश में महामारी फैली हुई हो, हमारा प्रधानमंत्री दूसरे देशों में यात्रा कर रहा हो, ये तो अच्छा नहीं होता है ना, तो इसलिए अपने देश में रुके रहना बहुत बड़ी बात होती है, वहां की व्यवस्था को देखते रहना, ठीक? यूनाइटेड किंगडम G7 प्रेसिडेंसी का उपयोग विश्व के प्रमुख लोकतंत्रों को एकजुट करने के लिए करेंगे ताकि COVID-19 महामारी की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला कर सके, और इसके अतिरिक्त अन्य वैश्विक समस्याओं यथा जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद,
आदि का मुकाबला करने के लिए भी रणनीति बनाई जाएगी इसमें। आप लोग एक बात हमेशा याद रखिए, जलवायु परिवर्तन हो, फिर चाहे आतंकवाद हो, फिर चाहे आपने देखा हो कि ये महामारी है, सभी देश बराबर प्रभावित होते हैं। ऐसा नहीं कि किसी कोई सी देश को इससे फायदा मिल रहा हो। आप समझिए, सबको सबकी अर्थव्यवस्थाएं चरमरा चुकी हैं कोरोना महामारी के कारण। आप सोचिए कि आतंकवाद से हर कोई परेशान है, जलवायु परिवर्तन का हर कोई भुगतान करना कर रहा है। तो सब मिलकर एक होकर लड़ाई लड़ें, यही उद्देश्य रहता है इनका सबका। यूनाइटेड किंगडम ने भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया को भी इस साल G7 शिखर सम्मेलन के लिए अतिथि देश के रूप में आमंत्रित भी किया है। G7 समूह की बात करें तो G7 दुनिया की सात सबसे बड़ी कथित विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का समूह है, जिनमें आप देखेंगे कनाडा भी है आपका शामिल, फ्रांस भी है, जर्मनी है, इटली है, जापान है, ब्रिटेन है और अमेरिका भी शामिल है। इसे ग्रुप ऑफ सेवन के नाम से भी आप लोग जानते हैं। और याद रखिए, भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही है इसमें। आप लोगों ने सुना होगा G7 एक अंतर सरकारी संगठन है जिसकी गठन 1975 में हुआ था। और याद रखिए, G20 का कब हुआ था, 1999 में, और G7 आपका कब हुआ, 1975 में। इसका गठन विश्व की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा विश्व के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अनौपचारिक मंच के रूप में किया गया था। याद रहे कि कनाडा 1976 में इस समूह में शामिल हुआ था। कनाडा कब विश्व में शामिल हुआ, 1976 में। शुरुआत से ही आर्थिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा एक प्रयास के रूप में गठित G7 फोरम ने दशकों से कई चुनौतियों के बारे में विचार विमर्श किया। और जिससे जैसे कि 1970 के दशक में तेल संकट, वित्तीय संकट, आतंकवाद, हथियारों पर नियंत्रण और मादक पदार्थों की तस्करी इत्यादि पर भी एक तरह से विचार विमर्श किया हुआ है। वर्ष 1997 में रूस के समूह में शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G7 को G8 के रूप में जाना जाता था। आप समझिए, जब 8 देश उसमें शामिल हुए तो G8 नाम दे दिया गया था। आप समझिए, आगे भी हो सकता है कि कई देश शामिल हुए तो उसी हिसाब से इसका नाम बदलता रहेगा। परंतु वर्ष 2014 में रूस की को क्रीमिया विवाद के बाद समूह से निष्कासित कर दिए जाने के पश्चात समूह को एक बार पुनः G7 कहा जाने लगा है। देखिए, रूस जब इसमें शामिल हुआ तो G8 हो गया था, फिर दोबारा आपने देखा है कि रूस को इससे निकाल दिया तो G7 दोबारा कहलाने लगा। G7 का औपचारिक संविधान या एक निर्धारित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर बाध्यकारी होते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई निर्णय लिया गया है तो सबको मानना बाध्यकारी है, ठीक है। G7 समूह का 46वां शिखर सम्मेलन की अगर बात करें हम लोग, तो G7 का 46वां शिखर सम्मेलन जून 2020 को संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप डेविड में आयोजित होने वाला था, लेकिन आपने देखा है कि COVID-19 महामारी के कारण यह शिखर सम्मेलन आयोजित नहीं हो सका था। तो ये भी याद रखिए कि ये संयुक्त राज्य अमेरिका के कैंप में डेविड में होने वाला था, लेकिन कोविड महामारी के कारण ये रद्द हो चुका था, ठीक है। हालांकि तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ने इसकी आलोचना की थी। उनका कहना था कि G7 समूह अपने वर्तमान प्रारूप में विश्व की विभिन्न घटनाओं का सही ढंग से प्रतिनिधित्व नहीं करता है। उन्होंने कहा है कि उन्हें नहीं लगता है कि दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसके संदर्भ में G7 विश्व का सही मायने में प्रतिनिधित्व कर पा रहा है, और अब यह समूह अप्रासंगिक हो चुका है, इसलिए G10 या G11 बन सकता है। याद रहे कि पिछले कुछ वर्षों में भारत, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया जैसे जैसी आर्थिक शक्तियां उभरी है, और इसलिए इसके स्वरूप में परिवर्तन की बात की जा रही है। और इसके अतिरिक्त रूस को पुनः इस समूह में शामिल करने की भी बात की जा रही है, भारत को भी शामिल करने की बात की जा रही है, ऑस्ट्रेलिया को भी शामिल करने की बात की जा रही है। तो हो सकता है कि आने वाले समय में ये G10 बच जाए, ठीक है। अगर आप सोचिए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, भारत अगर इसमें शामिल हो जाता है तो G10 बन जाएगा, ठीक है। याद रखिए, G7 समूह का 45वें शिखर सम्मेलन की बात करें तो आपने देखा होगा 45वां G7 शिखर सम्मेलन 24 से 26 अगस्त 2019 को फ्रांस के बियारित्ज में आयोजित किया गया था, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रोन के विशेष निमंत्रण पर विशेष अतिथि के रूप में इसमें भाग लिया था। और इस प्रकार इस समूह के शिखर सम्मेलन में भारत के बार बार आमंत्रण से प्रमुख आर्थिक शक्ति के रूप में भारत का बढ़ता महत्व चिन्हित होता है। तो भारत की एक तरह से आप समझिए कि सम्मान की बात चलती है कि भारत कितना शक्तिशाली होता जा रहा है, समझ रहे हैं आप लोग। अगर बात करें G7 की आलोचना क्यों की जाती है, तो G7 की आलोचना यह कहकर की जाती है कि यह समूह अभी तक बहुत ज्यादा
प्रभावी संगठन नहीं रहा है। हालांकि यह समूह कई सफलताओं का दावा करता है, जिसमें एड्स, टीवी, मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक फंड की शुरुआत करना आदि भी शामिल है। समूह का दावा है कि इसने साल 2002 के बाद से अब तक करोड़ों लोगों की जान बचाई है। समूह यह भी दावा करता है कि 2016 के पेरिस जलवायु समझौते को लागू करने के लिए के पीछे इसकी महत्वपूर्ण भूमिका भी है। और G7 समूह का कहना है कि COVID-19 महामारी को की चुनौतियों से निपटने में उसके उल्लेखनीय भूमिका निभाई है, जबकि आलोचकों का इसके विपरीत मत है। तो यही कहानी आपकी G7 की और G20 के बारे में बता चुका हूँ। अगर इनसे क्वेश्चंस आता है तो आप लोग आराम से सॉल्व करने की स्थिति में पहुंच गए होंगे। इनके बारे में यही पॉइंट आपको याद रखना है और इन्हीं को आप लोगों को रट लेना है, एक तरह से यही कहूंगा, क्योंकि संगठनों से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे कि कई स्टेट PCS तो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, तब भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी आप लोग प्रारंभिक परीक्षा हो या वन डे एग्जाम हो कोई भी, उसमें भी आपका डायरेक्ट पूछ लेगा कि G7 का भारत सदस्य है या नहीं है, या G20 का भारत सदस्य है, इसमें शामिल है या नहीं है, तो आप लोगों को बताना होगा। ठीक है,